आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर संतान नहीं है, बिजनेस ठप पड़ा है या विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो माता के नवरात्रों से अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? किसी भी उपाय को करने के लिए ये सबसे शुभ दिन है। तो चलिए अब आपके वो सारे उपाय बताती हूँ जिनसे आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएं। अगर शादी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें, जरूर लाभ होगा। आपके घर में जल्द खुशखबरी आएगी। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाएं। अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाएं, माँ दुर्गा को आहुति दें। आपके बिजनेस में खूब बेनिफिट होगा। जिन लोगों की विदेश यात्रा में मुश्किल आ रही है वो मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिला लें, हवन करें, विदेश यात्रा का योग बनेगा। माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ के रूप में भी पूजी जाती हैं। कार्तिकेय शिव पार्वती के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय की सवारी मोर है जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करती है, इसीलिए नवरात्र के इस खास अवसर पर आपको मोर पंख से जुड़े कुछ खास मंत्र और वास्तु टिप्स देना जरूरी है, ये आपके बहुत काम आएंगे। घर के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में मोर पंख लगाने से रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है, कष्ट कटते हैं। घर की एंट्री ठीक करने का उपाय क्या है, दरवाजे पर 3 मोर पंख लगाएं। पहले इसे मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा। फिर इन पंखों के नीचे गणपति जी की छोटी सी प्रतिमा भी लगाएं। पूजा स्थान का भी उपाय है, घर का पूजा स्थान वास्तु के अगर हिसाब से नहीं है तो एक छोटा सा उपाय करके ठीक कीजिए। पूजा स्थान पर कुमकुम का आपको तिलक लगाना है। ओम कूर्म पुरुषाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से मोर पंखों को अभिमंत्रित करें, यानी कि हाथ में लेकर जाप करें। इन मोर पंखों को फिर पूजा स्थान में सजाएं। किचन का भी उपाय है, 2-4 मोर पंख लगाएं, भोजन बनाने वाले स्थान से दूरी पर लगाएं। इन पंखों के नीचे मौली को बांध दें। इन पंखों को ओम अन्नपूर्णाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित करके लगाएं। काल सर्प दोष का भी उपाय है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आती हैं तो आपको अपने सिरहाने मोर पंख रखना चाहिए। इससे इसके साथ साथ बेडरूम में वेस्ट की दीवार पर 11 मोर पंख का पंखा बनाकर यूं लगाएं, बाधाएं कहां चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। राहु का भी उपाय मोर पंख से है। राहु का दोष दूर करने के लिए मोर पंख घर की पूर्वी या उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट की दिशा में लगाएं। इससे घर में सांप बिच्छू आदि विषैले जीव नहीं आते। बच्चों में अगर शरारते करने की आदत है, बच्चे जिद्दी हो गए हैं तो उन्हें मोर पंख से हवा करें, बच्चे आपके डिसिप्लिन में चलने लगेंगे। शत्रु नाश के लिए मतलब शत्रुता नाश के लिए, शत्रु को कुछ नहीं होगा, ये कड़वाहट हटाने के लिए, इनकी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोर पंख पर शत्रु का नाम लिखें। ये काम मंगलवार या शनिवार रात को करें। इस मोर पंख को घर के पूजा स्थान में रख दें, सुबह इसे बहते पानी के पास छोड़ दें। आपकी एनिमिटी शत्रुता खत्म हो जाएगी। ध्यान रहे मोर पंख से जुड़े सभी उपायों में नेचुरल तरीके से मिले मोर पंखों को ही इस्तेमाल करें, मोर को नुकसान कभी ना पहुंचाएं। ये कानूनी तौर से भी सही नहीं है और इस तरीके से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। फेसबुक पे हमारी व्यूअर सीमा राठौड़ घर से नेगेटिविटी दूर करने के उपाय जानना चाहती हैं। नवरात्र से अच्छा मौका सीमा जी आपको मिलेगा नहीं। नवरात्र के दौरान अपने घर में गूगल की धुनी शाम के समय और सनराइज के समय जरूर करें, वरना फिर अगर आप 43 डेज तक अपने घर में अग्निहोत्र कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये करने से घर में दूर दूर तक नेगेटिविटी का नाश होता है।